अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। ये है मेरा पहला व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, ट्रेन के डब्बों में ऑयल कैसे डालते वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे साथ जुड़े रहिए। ये देखिए, इसमें डालते हैं ऑयल, जो यूज ऑयल होता है वो वाला ऑयल डालते हैं इसमें, जो कारों में से निकलता है, बाइकों में से निकलता है, वो आता है इस कंपनी में, PSO कंपनी है। ये ट्रेनें पहले चलती थी, एक दो डब्बा चलता है इनमें से, मगर फिलहाल तो खड़ी हुई है ये, अभी फिलहाल नहीं चल रही है। मैं आपको दिखाता रहूँगा, फिर भी जुड़े रहिए मेरे साथ। कराची में जहाँ कोयला भरते हैं गाड़ियों में, डब्बों में, ट्रेन के डब्बों में, और स्टेशन है आगे थोड़ा सा उसमें, वो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे कोयला भरा जाता है। आगे वाला स्टेशन आ रहा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये देखें, हम पहुँच गए वहाँ पे, यहाँ पे कोयला लोड हो रहा है, कोयला इधर पे सारा कोयला लोड होता है ट्रेन के अंदर, करके ये भेजते हैं। ये नवाब शाह से होता, वो टंडो आदम से होता हुआ ये नवाब शाह जाता है, नवाब शाह से आगे ये पंजाब वाली साइड पे जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, ये सारा कोयला लोड होता है यहाँ। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें, यहाँ पे धूल मट्टी है, चश्मा लगा लूँ तो फिर आप लोगों को ज़्यादा खूबसूरत नजर आऊँ। जैसे तो मेरी घूमी हुई जगह है, आपको दिखाने के लिए मैं ये जगह दिखाने के लिए लाया हूँ, ताकि आप भी देख सकें। ये सारी मालगाड़ियों वाली ट्रेन की जगह है, यहाँ पे जो भी आता है वो मालगाड़ी आती है, कंटेनर वाली ट्रेन हो गई, और ये आप देख सकते हैं जैसे कि कंटेनर वाली ट्रेन हो गई और कोयले वाली ट्रेन हो गई, ये सारी आती रहती है इधर पे। और जो मुसाफिरों वाली ट्रेन है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली, वो आगे, वो थोड़ा उससे दूसरी साइड पे पटड़ियाँ उसकी, तो वो इधर वहाँ चलती रहती है, वो भी जाती है सीधा इधर से जाती है टंडो आदम, टंडो आदम से फिर नवाब शाह से आगे पंजाब वाली साइड पे चली जाती है। ये देखें आप, बहुत लंबी ट्रेन है, इस पर कंटेनर लोड होके आते हैं पोर्ट कासम से, ये सारे पोर्ट कासम से कंटेनर लोड होके आते हैं, फिर जाते हैं ये पता नहीं कहाँ जाते हैं, मगर जाते हैं यहाँ से पंजाब वाली साइड पे जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, लोड होके जाते हैं सारे। देखा आप लोगों ने ये कंटेनर सारे, बहुत लंबी ट्रेन है, बहुत इस पे पता नहीं कितने कंटेनर आते हैं, सारे ये पोर्ट कासम से लोड होके आते हैं, ये सीधा पोर्ट कासम के अंदर जाती है, उधर से लोड होते हैं, फिर यहाँ पे आती है, यहाँ पे जो कुछ होती है कमी पेशी वो डालते हैं, निकालते हैं कंटेनर वगैरह, फिर जाती है ये आगे की तरफ, वहाँ से वहाँ पे जा रही है, देखो आप वहाँ से आ रही है आगे, बहुत बहुत लंबी ट्रेन है ये वाली, वहाँ से कोयला लोड होता है, या अभी तो कोयला कम हुआ पड़ा है, पहले बहुत ज़्यादा था। और मुझे स्पोर्ट, आपके भाई को स्पोर्ट की जरूरत है, वह मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, थोड़ा सा मुझे शर्म भी आ रही है, सही दी बात बताऊँ आपको, शर्म भी आ रही है और बनाने में भी हिचकिचाहट हो रही है। इंशाल्लाह जब तक जब आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाऊँगा तो और जगह भी आपको दिखाता रहूँगा और बना बना के व्लॉग भेजता रहूँगा।
लोग जा रहे हैं वापसी। वापसी जाते हुए मैं आपको वही फैक्ट्री दिखाऊंगा जिसमें काला ऑयल आता है, ऑयल आता है और वो इन बोगियों में डालते हैं, डब्बों में, मतलब कि जो काले ऑयल के डब्बे खड़े हुए हैं ना उसमें ऑयल डालते हैं, वही डब्बे दिन में ऑयल जाता है। ये सारा सिस्टम ऊपर लगा हुआ है, इन डब्बों के पाइप लगे हुए हैं, उनके ज़रिए से उनके अंदर ऑयल जाता है काला। जैसे ही हम वहाँ से आ रहे थे तो यहाँ पे कुछ लड़के मिले, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इस पानी में से मछलियाँ पकड़ रहे हैं, छोटी सी मछलियाँ हैं वो पकड़ रहे हैं कुंडी के साथ, वो उसमें कीड़ा डालते हैं फिर लगाते हैं फिर वो पानी में डाल देते हैं, मैं वो भी आपको चल कर दिखाता हूँ, अभी मछली भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें बच्चे मछलियाँ पकड़ रहे, छोटे छोटे बच्चे, हमारा भी एक बंदा इधर खड़ा हो गया मछली पकड़ रहा है, उसको भी शौक चढ़ गया, बोलता मैं भी मछली पकड़ूंगा। हाँ भाई मछली पकड़ रहा है, कुछ लगा क्यों? आपको मछली दिखाता हूँ, मेरा बच्चे इसको पकड़, ये देखें छोटी छोटी मछलियां हैं, एक उठा उठा मछली, पता नहीं बच्चे लोग हैं कहीं भी पहुंच जाते हैं और कहीं भी मछली पकड़ जाते। ये देखें छोटी छोटी मछलियां, छोटी छोटी, एक भाई मिला है वो बता रहा था यहाँ से मैं पहले मछलियां पकड़ता था, बड़ी बड़ी मछलियां लगती है, बोला यहाँ पे मछली बहुत है, बोलता ये जो घास हुआ पड़ा है ना पहले ये घास नहीं था, तब मैं मछली पकड़ने आता था यहाँ पे, अभी तो ये घास हो गया है, पानी खड़ा हुआ है सारा पीछे वाली साइड पे, बरसातों का पानी जैसे ही रुक गया है ना 2-3 साल हो गए ये यहीं पे खड़ा हुआ है, हमारा चक्कर लगता रहता है यहाँ पे तो हम देखते रहते हैं इनको पानी वगैरह में, बच्चे कभी कभी मछली पकड़ रहे होते थे, आज हमने रुक के देखना चाहा तो देखा बच्चे मछली पकड़ रहे थे, मछली पकड़ी भी है उन लोगों ने इधर पे।